गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ एक वर्णमाला। तो वर्णमाला में हमारा आता है स्वर और व्यंजन। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, ये हमारा क्या है, ये स्वर हमारा है। तो हम पढ़ेंगे अ आ ई ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग अह। तो आप लोग जानते हैं ना, अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ई, छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखल, अ से औरत, अ से अंगूर, अह माने कुछ नहीं। ये जो अह है हमारा, इसके मीन्स क्या होता है, कुछ नहीं। तो अ से अनार आप लोगों ने देखा ना, अनार कैसे होते हैं, लाल रंग का, और उसमें छोटे छोटे दाने होते हैं, खाया आप लोगों ने। आ से आम, आम आम कैसा होता है, पीले रंग का और हरा दोनों। जब वो कच्चा होता है तो कैसा होता है, हरे रंग का होता है, और जब पक जाता है तो कैसा होता है, पीला। और जो पीला होता है उसके पकने के बाद वो मीठा मीठा हो जाता है ना, आप लोगों ने खाया होगा। छोटी से इमली, इमली में इमली आप लोगों ने देखा है, हाँ खट्टी खट्टी होती है ना, हाँ। फिर बड़ी से ईख, ईख जो है उसमें क्या होता है, ईख हम खाते हैं उसमें मीठे मीठे रस निकलते हैं ना, उसी से, हाँ उसी से चीनी बनती है। ऊ से उल्लू, उल्लू भाई क्या करता है, उल्लू दिन में जगता है या रात को, हाँ रात को, उल्लू कब जगता है, रात को। ऊ से ऊन, सबकी मम्मी घर में ऊन स्वेटर बनाती है ठंडी जब आ जाती है ना, तो उसे ऊन। री से ऋषि, ऋषि देखा है आपने, हाँ ऋषि जो माला जपते हैं, जो लोग गुरु वो शिक्षा देते हैं, ऋषि लोग होते हैं ना, माला जपते हैं, देखा होगा। ए से एड़ी, एड़ी आप सभी लोग के पास है ना, और ऐसे ऐनक, दादी बाबा आपके घर में ऐनक पहनते हैं ना, ऐनक, हाँ वही जो चश्मा होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऐनक। ओ से ओखल, ओखल जो मम्मी धान कूटती हैं, ओखल आप लोगों ने देखा होगा। अ से औरत, अ से औरत, औरत मम्मी, हाँ आपकी मम्मी जो है वो क्या है, औरत। अ से अंगूर, अ से अंगूर, अंगूर आपने देखा है ना, खट्टे खट्टे होते, खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है, हरे रंग का, हरे रंग का भी अंगूर होता है, काले रंग का भी होता है। अह माने कुछ नहीं, अह माने कुछ नहीं होता है। जी तो आप लोग सब लोग पढ़िए, अ आ ई ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग अह।